तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट लीग का आज के दिन का तीसरा मैच, मतलब वैसे तो भाई ये दिन मतलब ये मैच देखा जाए तो 12 बजे स्टार्ट होगा, जैसे कि मतलब अभी 26 तारीख है तो नेक्स्ट डे लग जाएगा यानी कि 27 तारीख हो जाएगी, बट फिर भी भाई अभी रात को ही मैच खेला जाएगा तो मैं इसे आज के ही दिन में काउंट करके चल रहा हूँ। तो भाई अगर आज के इस मैच की बात करें तो मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भाई यहाँ पर है ना आपको सारे प्लेयर्स के स्टैट्स मिलेंगे, कुछ भाई वेस्ट इंडीज के यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपको दिखेंगे, सुनील नारायण यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, मतलब जैसे वो स्क्वाड में ऐड है, अब वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में भाई कंफर्मेशन कुछ भी मैं आपको नहीं दे सकता। देखो झूठी बातें करके बताने से कोई फायदा नहीं है, अगर वो खेलेंगे तो मेरे हिसाब से मतलब ज्यादा चांस है कि यहाँ पर पोलार्ड आपको खेलते नजर आए और नारायण आपको खेलते नजर आए, इसके अलावा भाई शायद आपको और जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो शायद आपको ना नजर आए। ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं भाई दोनों टीम्स के स्टैट्स के बारे में, इसके अलावा भाई सारी एक एक चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखो एक एक चीज मैं आपके लिए निकाल कर ला रहा हूँ, एक एक प्लेयर्स के स्टेट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और लगातार आपको जैकपॉट विनिंग पे विनिंग करवा रहा हूँ। अभी जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है उसमें हमारी विनिंग हो रही है, पहला जो मैच स्टार्ट हो गया त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट का उसकी फर्स्ट इनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 9 ओवर हुए हैं अभी तक और अभी तक भाई 40 पॉइंट्स की लीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मैच में भाई हमारी जैकपॉट विनिंग हो रही है और ये विनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल पर जो फाइनल टीम आती है ना उसकी वजह से भाई आपकी विनिंग हो रही है। अभी जो मैं आपको टीम दूंगा हो सकता उसमें 2 या 3 प्लेयर आपको ना खेलते दिखे तो फिर भाई क्या फायदा, अभी मान लो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल के बिना कहीं पे भी नहीं दे सकता, ये यार आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो टॉस के बाद अगर मैं मान लो वीडियो बना के टीम अपलोड करूंगा तो उसमें तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो भी भाई टॉस भी लास्ट 5 मिनट में हो रहा है, तो जो फर्स्ट मैच हुआ था उसका टॉस बिल्कुल भाई ये मान लो आप 7:55 पर हुआ था यानी कि मैच स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले, तो ऐसी कंडीशन भाई टेलीग्राम चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वेन्यू की बात करें तो भाई ब्रायन लारा स्टेडियम में मैच होने वाला है और यहाँ पर देखो अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो मैं आपके लिए निकाल कर लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले पिच की बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प रहेगी, एवरेज स्कोर 97-120 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 30 मैच टोटल खेले गए, 13 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 17 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए देख आप मतलब देख सकते हो कि थोड़ा सा स्लाइटली एडवांटेज यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसको। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150 से नीचे का स्कोर 16 बार बना है और अगर बात करें 150 से 170 का स्कोर तो भाई 8 बार बना है, 170 से 190 का स्कोर भाई 6 बार बना है और 190+ का स्कोर 1 बार भी नहीं बना है, यानी कि आप ये बैलेंस्ड विकेट मान सकते हो। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आइली बैटर्स को मतलब वो एडवांटेज होता है या फिर आइली बॉलर्स को एडवांटेज होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा गया है। तो यहाँ पर SCK की टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट भाई, हाँ तो यहाँ पर SCK की टीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लियोनार्ड जूलियन के हैं उन्होंने भाई ये विकेट कीपिंग करेंगे और 8 मैच में 146 रन बना चुके हैं। इसके अलावा कीगन सिमंस की बात करें तो 5 मैच में 184 रन है, मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं। वही अगर बात करें यहाँ से स्कलिन डुकैन की तो इनके स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं मतलब अभी मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मतलब अगर मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे को स्टैट्स मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है वही अगर बात करें जैसे कि भूटान की तो भाई देख सकते हो 4 मैच में 64 रन इन्होंने बनाए, खत्री सिंह ने 2 मैच में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा बात करें यहाँ पर रिवाल्डो रामलोगन की तो 4 मैच में 109 रन और 3 विकेट, गजब का प्लेयर आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। सुनील नारायण भाई इसके जो ओवरऑल T20 रिकॉर्ड्स हैं ना सारे वो भाई यहाँ पर लिखे गए, 391 मैच में भाई ऑलमोस्ट 3000 रन और 429 विकेट है, बहुत ही गजब का प्लेयर है। जैसे कि आपको पता है स्टैट्स भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसन मोहम्मद की बात करें तो भाई 85 मैच में यहाँ पर आप देख सकते हो 4000 रन है और भाई 45 विकेट भी है, तो ये भी आपके लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। समीर अली की बात करें तो 1 मैच में 1 विकेट निकाला। इसके अलावा रवि रामपुर आपको दिखेंगे तो आप देख सकते हो 92 मैच में 1000 से ज्यादा रन और भाई 274 विकेट है, तो एक बहुत बैंकर विकेट टेकिंग गेंदबाज है आपके लिए। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वही अगर बात करें यहाँ पर चैडियन रेमंड की तो आप देख सकते
सकते हो 3 मैच में 34 रन इन्होंने भी बनाए हुए हैं। SLS की टीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डैनियल विलियम्स आपको नजर आएंगे, 3 मैच में 54 रन किए और भाई विकेट कीपिंग करेंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। देखो तो दोनों मतलब हिट एंड मिस टाइप विकेट कीपर है, आपको किसी एक को साथ तो जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर बात करें लियोनार्डो जूलियन और यहाँ से अगर बात करें डैनियल विलियम्स तो किसी एक के साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा। दोनों हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, और अगर भाई आपको मतलब देखो आप इनमें इनको है ना अलग अलग टीम में GL में कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि भाई दोनों हिट एंड मिस टाइप प्लेयर, अगर हिट हो गए ना तो भाई मतलब गजब डा देंगे, अगर दो में से कोई एक भी हिट हो गए तो ये मान लो आपकी वो GL की टीम टॉप कुछ टॉप स्पोर्ट्स में आ सकती है। वहीं अगर बात करें टियोन वेबस्टर की तो 15 मैच में 12 विकेट है, 600 से ज़्यादा रन है, CVC के बेहतरीन दावेदार रहेंगे, आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। वहीं अगर बात करें निकोलस सुक डियोसिंग की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 मैच में 72 रन है। वहीं अगर बात करें इवार्ट निकोलसन की तो 8 मैच में 290 ऑलमोस्ट 300 रन है, गजब के प्लेयर और गजब का स्ट्राइक मतलब गजब की मतलब स्ट्राइकर गेंद के, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। जस्टिन जगसर की बात करें तो भाई 2 मैच में 5 रन इन्होंने बनाए। केरन पोलार्ड की बात करें तो भाई 101 मैच में 1569 रन और भाई यहाँ पर 42 विकेट भी निकाल रखे, तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर बात करें मार्लन रिचर्ड्स की तो 39 मैच में 88 विकेट है, आप देख सर देख रहे हो रिकॉर्ड्स, 39 मैच में 88 विकेट और 600 से ज्यादा रन है, तो इन्हें भी भाई आप CVC बना सकते हो। ऊपर से भाई टियोन वेबस्टर आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर रहेंगे। नीचे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो शिवा शंकर है भाई 6 मैच में 7 रन बनाए और 9 विकेट भी निकाले, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वसंत सिंह की बात करें तो 2 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाले। ब्रायन चार्ल्स की बात करें तो 29 मैच में 93 विकेट निकाल रखे और 200 कुछ रन भी है, तो यहाँ पर आप विकेट देख सकते हो कितनी खतरनाक तरीके से निकाल रहे हैं, तो इनके पास विकेट टेकिंग गेंदबाज काफी ज्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर भाई पोलार्ड के ओवर कट हो सकते हैं। अगर खेलता भी तो मेरे हिसाब से एज ए बैट्समैन खेलेगा और टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, ठीक है। तो GL में नहीं, GL में ट्राई करना, पोलार्ड नाम बड़ा है बट शायद दर्शन छोटे हो जाए, ठीक है। तो मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। रिचर्ड हैरिस की बात करें तो इनके स्टेट समय में मिले नहीं, अगर मिलते तो भाई मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलिए भाई आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो डेमो टीम है वो क्या रहने वाली है, कौन से प्लेयर्स को हम कहाँ पर ट्राई करेंगे और कौन से प्लेयर हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई यहाँ पर मैं आपको डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो एल जूलियन को मैं अपने टीम में ले रहा हूँ। वहीं अगर बात करें तो ऐसे टियोन वेबस्टर हमारी टीम में 101% रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से एक मिनट मैं थोड़ा सा एक प्लेयर्स के स्टेट्स चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ से भाई जो के सिमंस है, के सिमंस को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। इसके अलावा भाई नीचे अगर हम चलेंगे तो NS डुनकैन को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर भाई आप इवार्ट निकोलसन को ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई निकोलस सुक डियोसिंग के साथ। भाई अगर बात करें तो ऐसे करण पोलार्ड अगर खेलते तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं ड्रॉप करके चलूँगा। ऐसे जैसन मोहम्मद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सुनील नारायण और M रिचर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से भाई तो आपके लिए जो ब्रायन चार्ल्स है वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ब्रायन चार्ल्स भाई बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में, ये रही भाई ब्रायन चार्ल्स, ठीक है। रवि रामपोल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें वसंत सिंह की तो वसंत सिंह ने भाई 2 मैच में 4 विकेट निकाल रखे, एक मस्ट पिक प्लेयर के तौर पर आप अपनी टीम में इसे शामिल कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ से देखो जो आपके लिए शिवा शंकर है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो शिवा शंकर को भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं शिवा शंकर को ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से अगर देखो जो चेडन रेमेंड है, ये भाई इन्होंने इनके स्टेट्स मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जो चेडन रेमेंड है 2-3 मैच में 34 रन है, ठीक ठाक प्लेयर है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ज़्यादा कुछ बुरे भी नहीं है, तो अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो। भाई अगर बात करें रिवार्डो रामलोगन की तो रिवार्डो रामलोगन को भाई एक बार मैं ऐसे देखता हूँ कहाँ पे है, तो यहाँ से रिवार्डो रामलोगन के आप मतलब इसका सिलेक्शन देख सकते हो, सिर्फ 2% है लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, तो इसीलिए भाई मैं इसे अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ से CVC की बात कर लेते हैं तो देखो कैप्टन मैं यहाँ से बना रहा हूँ सुनील नारायण को और VC भाई मैं दे रहा हूँ जैसन मोहम्मद को। बाकी यहाँ से आपके लिए बात करें तो टियोन वेबस्टर काफ़ी अच्छा CVC का ऑप्शन रहेगा भाई, मैं तो मतलब सच में काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भाई जो मिचेल रिचर्ड्स है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं टियोन वेबस्टर के साथ रहा हूं। और अभी के लिए जो मेरी टीम रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी, बाकी अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होता है तो उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो आपको फाइनल टीम मिलेगी ना भाई वही हमारी बिल्कुल फुल एंड फाइनल टीम होगी और उसी टीम के साथ मैं खुद भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।